में न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के कस्बा फतेहाबाद में पुराना मकान तोड़ने के लिए मजदूर लगाए गए थे। ये मजदूर प्रदीप कुमार के पुराने मकान को तोड़ने के लिए लगाए गए थे। वहीं जो 5 मजदूर बीती रात मकान तोड़ने का काम कर रहे थे और साथ में मकान मालिक प्रदीप कुमार भी मौजूद थे, तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिर गया। वहीं छज्जे के नीचे खड़े 3 लोग मलबे के नीचे दब गए। मलबे में दबने से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और एक की मौके पर ही जान चली गई। वही घटना की खबर जैसी आसपास के लोगों को मिली तो लोग दौड़कर आए और मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने में लग गए। वही स्थानीय लोगों की तरफ से घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पत्थरों को उठवाया और घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक मजदूर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला, जहां पर मकान तोड़ते समय छज्जा अचानक गिर गया, जिसके नीचे कई मजदूर दब गए, 3 मजदूर घायल हो गए हैं, एक की मौके पर ही जान चली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, जहां पर मकान तोड़ते समय अचानक मकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। मजदूर काम कर रहे थे, ऐसे में 4 मजदूर इसके नीचे दब गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक मजदूर की मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, राहत बचाव का काम शुरू किया। स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार गायों की सेवा और रक्षा की बात करती है, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आती है। मामला आगरा के फतेहाबाद तहसील के कोलारा कला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर गौशाला का नजारा कुछ और ही है। यहां गौवंश लगभग 1 दर्जन मृत अवस्था में पाए गए और कई गौवंश सरकारी उपेक्षा का शिकार भी बन गए, जो अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। वहीं जब किसान नेता श्यामवीर चाहर ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण के दौरान खाने के लिए भूसा जो कि सड़ा हुआ था और हरे चारे में पूरी तरह से मिट्टी मिली हुई थी, पीने के लिए गायों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। जिस परिसर में गायें बंधी जाती हैं उस फील्ड में पानी भरा हुआ था और गाय के जो बच्चे हैं वो पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे, जिससे गौवंशों की बीमारी से मौत हो गई। कहने को तो ये सरकारी गौशाला है, पर यहाँ खुलकर आयोग के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं गौशाला के निरीक्षण में किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने गौशाला से CBO BS तोमर को फोन कर बताया, तो उन्होंने जांच करने की बात कही। गौशाला पर डॉक्टर्स की तैनाती है, लेकिन वो अपने घर से ही गौशाला को चलाते हैं, गौशाला में आते ही नहीं, जिस गाय के नाम पर उत्तर प्रदेश में हत्या तक हो जाती है। उन गौवंशों की सरकारी उदासीनता के चलते लगातार जान जा रही है। तस्वीरें आगरा की आप देख रहे हैं, जहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत अवस्था में पाए गए हैं, कईयों की हालत खराब बताई जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके खाने के लिए भूसा जो है वो भी नहीं है, पूरी तरह से सड़ चुका है, जो हरा चारा है उसमें मिट्टी मिली हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गौवंश और गाय कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी 2 दिन पहले ही पूरी तरह से यूपी सरकार ने बजट पेश किया, अनुपूरक बजट, लेकिन उसमें भी गौवंशों की देखरेख को लेकर बजट पास किया गया था। हर साल ऐसा होता है कि गौवंशों की रक्षा के लिए, गौशालाओं की दुरुस्तीकरण के लिए तमाम पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आती है। आगरा का ये गौशाला, जहाँ पर गौवंशों की और गायों की हालत दयनीय दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत अवस्था में पाए गए हैं और इसको लेकर लगातार शिकायत भी की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी गौवंशों के लिए, गायों के लिए रखे गए हैं, लेकिन ये डॉक्टर कभी भी गौशालाओं में नहीं आते, घर बैठकर ही इलाज करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आगरा में गौशाला में 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत पाए गए हैं, गायों की हालत जो है वो ही बेहद खराब है, गौशालाओं में इनके लिए पानी नहीं है, जो भूसा है वो पूरी तरह से सड़ चुका है, तो ऐसे में गायों का संरक्षण कैसे हो पाएगा? मैं आपको बता दूं काजोल की पूरा एक गांव है जहां पर एक सरकारी गौशाला स्थित है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि
जिन्होंने गो आयोग का भी गठन किया है, उसके बावजूद भी सरकारी गौशाला में इतनी निर्ममता हो रही है। ये जो सरकारी गौशाला के अंदर स्थिति इतनी भयावह है कि एक दर्जन से ज्यादा गौवंशों की मृत्यु हो चुकी, जिनके शव वहीं पड़े सड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी इनको चारा या भूसा दिया जाता है, जो भी खाने में दिया जाता है, वो सब भी पानी में खराब हो चुका है। आज किसान नेता श्यामवीर सिंह चाहर ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस गौशाला का निरीक्षण किया तो पाया कि इस गौशाला में अव्यवस्थाएं अपने चरम पर हैं। एक भी व्यक्ति, नॉट अ सिंगल पर्सन गौशाला के अंदर मौजूद था। इन लोगों ने गेट की बाउंड्री फांद के जब ये अंदर गए तो वहां पे एक दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत अवस्था में मिले, बाकी भूख और प्यास से तड़प रहे थे। इस मामले में एसडीएम से बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी व्यवस्था वीडियो के पास है। वीडियो साहब ने न्यूज डॉट इंडिया के पत्रकार का फोन नहीं उठाया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, पर सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि यानी हमें इन सभी सवालों से वो बचते हुए नजर आए हैं, क्योंकि गौशाला के ये हालात है। इसके अलावा अमित, अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार शिकायत की जा रही है कि गौवंशों की हालत ठीक नहीं है, गायों की हालत ठीक नहीं है, उनके लिए खाने के लिए जो भूसा है वो पूरी तरह से सड़ चुका है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल सरकार पैसा देती है गौशालाओं को, प्रशासन को ये कहती है कि प्रशासन देखरेख करेगा, आखिर वो प्रशासन आज आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? यही मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक गौ आयोग का भी गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी गौशाला है उनको भारी मात्रा में एड प्रदान की गई, पर आगरा में गौवंशों के प्रति अधिकारियों की जो मनस्थिति है वह ये दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आदेशों और उनकी दिलचस्पी वाले विषय पर उनका कोई रुझान नहीं है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करूँ कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे गौ गाय के नाम पे हत्या प्रजा की देश की सुर्खी बनती है। बिल्कुल अमित, और इसके अलावा क्या जानकारी मिल पाई है कि इतनी बड़ी संख्या में गौवंशों की जान चली गई, क्या कारण रहा है इसके पीछे? डॉक्टर्स की तैनाती की हुई है, क्या डॉक्टर्स जाते हैं गौशाला में गौवंशों की देखरेख करते हैं, चेक करते हैं, गायों की कोई चेकिंग की जाती है? जो डॉक्टर्स है उनसे बात हुई, ये लगा कि डॉक्टर जो है वो अपने घर पे हैं, उनकी प्रतिदिन ड्यूटी गौशाला के अंदर सेंटर में है जहाँ पे गायों की देखरेख की जाती है, पर वो भी वहां से नदारद रहते हैं। न्यूज डॉट इंडिया की टीम ने जब पूरी पड़ताल की तो उसके बाद ये पाया कि अधिकारियों की लापरवाह रवैये की वजह से एक दर्जन से अधिक गौवंश आगरा में मौत को पा चुके हैं और कई सारे गौवंश मौत के कगार पर टूट रहे हैं। और ये तस्वीरें कब से सामने आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आगरा से सामने आई है जहां पर अलग अलग गौशालाओं में गौवंशों की जान जा रही है, गाय मृत अवस्था में पाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें नई नहीं है, ये तस्वीरें पिछले जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, गौ आयोग का गठन हुआ है, तब से आगरा में अधिकारी लगातार गौवंश के प्रति अपना नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पहले भी आती रही है और लगातार न्यूज डॉट इंडिया पे खबर अब चलने के बाद हमने जब अधिकारियों से बात की, उनसे बात करने के बाद ये पता लगा कि अब एक टीम इस गौशाला में भेजी गई है जो अब जो भी बाकी बचे गौवंश है उनकी देखरेख करेगी और जो मृत गौवंश है उनका पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगरा का ये पूरा मामला जहां पर एक दर्जन से ज्यादा की संख्या में मृत गौवंश मिले हैं, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। हालांकि यहां पर प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें बंद करके बैठा है और कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा ये कहा जाता है, प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इन गौशालाओं की देखरेख करे। बरेली के फतेहगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 किलो स्मैक के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्यवाही विभाग की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। देश विदेश सहित पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के बरेली में लगभग इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर तस्कर काफी प्रसिद्ध हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की तरफ से मिली सूचना पर फतेहगंज पूर्वी पुलिस और फरीदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के गांव पंडेरा पहुंचकर एक सेंट्रो कार में संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उक्त कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर करोड़ों की स्मैक के साथ दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बरेली में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी
अवैध पदार्थों की तस्करी की जाती है। इससे पहले भी पुलिस लगातार सघन चेकिंग चला चुकी है, कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार फिर से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत पटेरा गांव पड़ता है, वहां पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और वहां से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 20 किलो से अधिक स्मैक बरामद हुई है। इसमें दो अभियुक्त हैं, जिसमें एक वहां का प्रधान है छोटे उर्फ सईद खान सन ऑफ इब्राहिम और दूसरा है राजू उर्फ सैफ खान सन ऑफ नासिर। इन दोनों ही व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उनके पास से जो 20 किलो से अधिक स्मैक बरामद हुई है उनके खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, दोनों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो बताया जा रहा है कि करोड़ों की स्मैक है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ बरेली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ये पूरा मामला किस तरह से है, पुलिस को कैसे सूचना मिली कि जो तस्कर है वो इतनी भारी मात्रा में जो स्मैक है वो यहाँ से सप्लाई करने वाले हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसे मामले सुनवाई में आते रहते हैं और इस बार भी पुलिस को अपने मुखबिर के द्वारा सूचना मिली। तब पुलिस ने मौके पर जाकर जब चेकिंग अभियान चलाया तब उनको दो व्यक्ति संदिग्ध हालात में पाए गए। जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी छानबीन की गई तो उनके पास 20 किलो मात्रा में चरस पाई गई। पवन, अगर देखा जाए तो बरेली पूरे विश्व भर में मशहूर है इन तमाम चीजों के लिए कि बरेली से लगातार जो है वो मादक पदार्थ जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में पुलिस पहले भी सघन चेकिंग अभियान चला चुकी है, फिर से कहीं ना कहीं ये तस्कर एक बार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन पर अब क्या आगे बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बताना चाहूंगा, पुलिस को कई बार अपने अभियान के तहत सफलता भी बड़ी हाथ लगी है, लेकिन पुलिस अभी तक इसकी जड़ तक नहीं शायद पहुंच पाई है, इसीलिए आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी वारदातें मिलती हैं देखने को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो करोड़ों की स्मैक के साथ दो आरोपी पकड़े गए हैं और इससे पहले भी बरेली में तमाम तस्कर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इस बार ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये लोग जो अवैध तरीके से जो गांजा होता है, ये तमाम चीज़ें जो मादक पदार्थ होते हैं वो दूसरे इलाकों तक पहुंचाते हैं, दूसरे ज़िलों तक पहुंचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार इन पर नज़र बनाए हुए है। इटावा सेफई क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय में सफाई ग्राम कथुआ के निवासी रामपाल ने तत्कालीन SDM सेफई हेम सिंह पर पंचायत चुनाव के दौरान प्रधानी का चुनाव जिताने के एवज में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। वहीं आरोप लगाने वाले व्यक्ति रामपाल ने SDM सफाई हेम सिंह की ऑडियो भी वायरल की है, जिसमें खुद SDM सफाई हेम सिंह रामपाल ने मिलने की बात कबूली है। उसी ऑडियो में रामफल के तरफ से चुनाव न जीतने के बाद पैसा वापस करने की मांग की जा रही है, जिस पर SDM सेफई मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में आरोप लगाने वाले व्यक्ति रामफल ने SDM सेफई जो कि अब भरथाना तहसील के SDM बनाए गए हैं उनके खिलाफ SDM इटावा जिलाधिकारी के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास भी लिखित में शिकायत की गई। पीड़ित का कहना है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी वो चुनाव हार गया और जिसके बाद SDM साहब अब पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। जमीन बेचकर पीड़ित ने रकम चुकाई थी। वहीं इस पूरे मामले में SDM हेम सिंह का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मामला ये है SDM हेम सिंह सैफई, हमारा ही मामला है। मुझे चुनाव लड़ाया SDM हेम सिंह ने, उन्होंने ये कहा कि रामपाल चुनाव लड़ जाओ, तो मैंने उनसे ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारी ग्राम पंचायत कथुआ पड़ती है, थाना सैफई ब्लॉक सैफई तहसील सैफई जनपद इटावा। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि ऐसा करो, प्रमाण पत्र तुम्हें हम देंगे, हम वहाँ रहेंगे मतगणना, हम चुनाव कराएंगे। तो मैंने पिताजी से बात की तो इन्होंने कहा 15 लाख रुपए मुझे दो, तुम्हारे चाहे 100 वोट भी ना पड़े, प्रमाण पत्र हम तुम्हें देंगे। जी जी, ग्राम पंचायत कथुआ ब्लॉक सैफई से प्रधान पद का चुनाव लड़े थे, हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी महिला सीट होने के नाते। पैसे मैंने दिए तो तीसरे स्थान पर मेरी पत्नी रही, वोट 100 के नीचे निकले। जी, चुनाव हार गए, प्रेम सिंह प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे उनकी पत्नी उषा देवी चुनाव जीत गए।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रोहित, ये पूरा मामला किस तरह से है और जो प्रधान प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं एसडीएम पर, वो कितने सही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये सैफई ग्राम पंचायत का मामला है जहां पर 45 सालों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कब्जा रहा है। इस बार जो है सीट परमिशन प्रतिमन होने के बाद जो है यहाँ पर रामफल वाल्मीकि जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था और अभी ये चुनाव हारने के बाद एसडीएम पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि एसडीएम ने इनसे 15 लाख रुपए चुनाव जिताने के नाम पर लिए हुए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो जो है एसडीएम पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहे। इनकी ऑडियो लीक होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं जिलाधिकारी मामले की जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पर जिस एसडीएम पर आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा क्या कोई बयान सामने आया? एसडीएम जो है अभी मीडिया कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एसडीएम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनको जो है राजनीति के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना बड़ा आरोप उन पर लग रहा है, वो बयान नहीं दे रहे हैं। जो प्रधान प्रत्याशी था वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 15 लाख उनसे लिए गए और उनसे ये कहा गया कि चाहे एक भी वोट ना पड़े वो प्रमाण पत्र जो है उन्हें दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? और जो पीड़ित है, वो जानकारी मिली है कि उसने अपनी जमीन बेची है और जमीन बेचकर ये जो पैसे हैं वो एसडीएम को दिए थे? बिल्कुल, एसडीएम के कहने पर ही प्रधान प्रत्याशी ने जो है अपनी जमीन बेचकर और पैसों की व्यवस्था कर एसडीएम को 15 लाख रुपए दिए थे, ये प्रत्याशी का कहना है। और एसडीएम ने ये आश्वासन दिया था कि उनको जो है चुनाव में मतगणना और मतदान की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, तो उनको जिताने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये पैसा जब वापस मांगा गया। जी इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंच पाई है? मामले की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। डीएम जो श्रुति सिंह हैं उन्होंने मामले की बात जांच की बात कहकर अभी कमेटी गठित कर रही हैं। अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई साफ सुथरा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सैफई का ये पूरा मामला है जहां पर एक प्रधान प्रत्याशी ने 15 लाख लेने का आरोप एसडीएम पर लगाया है चुनाव जिताने के एवज में। बजरंग दल के पश्चिमी प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एक विवादित बयान दिया है। बजरंग दल नेता ने कहा है कि इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र दारुल उलूम से ही तालिबानी विचारधारा निकलती है। कई बड़े आतंकियों को देवबंद से कई बार गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा देश में कोई बड़ी आतंकी घटना भी अगर होती है तो उसमें भी देवबंद कनेक्शन ही निकल कर आता है। विकास त्यागी ने कहा है कि देश का पूरी तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है, देवबंद दारुल उलूम आतंक की जननी है। विकास त्यागी ने भारत सरकार से मांग की है कि दारुल उलूम देवबंद की जांच करवाई जाए। विकास त्यागी जो कि देवबंद का नाम बदलने की गुहार पहले ही सरकार से लगा चुके हैं, अब उनका एक और विवादित बयान जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इस्लामिक शिक्षा है उसका सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम ही है, तालिबानी विचारधारा वहीं से निकलती है। कई बड़े आतंकियों को देवबंद से कई बार गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा देश में कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो उसमें भी देवबंद कनेक्शन ही निकल कर आता है। विकास से आगे कहते हैं कि देश का पूरी तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है, देवबंद दारुल उलूम आतंकी जननी है। विकास त्यागी कहते हैं कि भारत सरकार से मांग की है कि दारुल उलूम देवबंद की जाँच जल्द से जल्द कराए। ये तालिबानी विचारधारा और जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर ये घटनाक्रम हुआ है, मैं भारत के लिए इसे खतरे की घंटी मानता हूँ। और तालिबानी विचारधारा ये देवबंदी विचारधारा है जो देवबंद के दारुल उलूम से निकल कर ये वहाँ गई है, और किस प्रकार से एक ही मजहब एक ही धर्म के लोग आपस में मर रहे हैं काट रहे हैं, और पूरे दुनिया का जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को जो तालिबानी विचारधारा में ढाल कर और तालिबानी ये बनाना चाहते हैं, भारत के लिए खतरे की घंटी है। और मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार की जो विचारधारा देवबंद के दारुल उलूम से निकल कर देवबंदी विचारधारा के रूप में ये और तालिबानी विचारधारा बनी है, और अब जाइए अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, देवबंद के दारुल उलूम पर कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि पूरे विश्व के लिए ये खतरा है। तो बजरंग दल के नेता विकास त्यागी का यह बयान आपने सुना, जहाँ पर उनका कहना है कि इस्लामिक शिक्षा
का सबसे बड़ा जो केंद्र रहा है वो दारुल उलूम ही रहा है और तालिबानी विचारधारा दारुल उलूम से ही निकलती हुई नजर आती है जो कि देवबंद है। कई बड़े आतंकियों को देवबंद से कई बार गिरफ्तार किया गया है और आतंकियों का कनेक्शन देवबंद से हमेशा ही रहता है। इसके अलावा देश में कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो उसमें भी देवबंद कनेक्शन निकल कर आता ही है। विकास त्यागी ये कहते हैं कि देश का पूरी तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है। देवबंद दारुल उलूम आतंकी जननी है। विकास त्यागी ने कहा कि भारत सरकार से मांग है कि दारुल उलूम देवबंद की जांच कराई जाए। इससे पहले कल इन्होंने कहा था कि देवबंद का नाम देवव्रत किया जाए और इसका नाम बदलकर अब लगातार आगे कोशिश की जा रही है। सरकार से वो लगातार गुहार लगा चुके हैं लेकिन इनका ये मानना है कि इस तरह से जिस तरह से देवबंद में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है वहीं से ही आतंकियों का कनेक्शन होता है तो वहाँ पर अब जाँच कराई जानी चाहिए। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुशील कपिस मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? विकास त्यागी जो कि बजरंग दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से देवबंद में इस्लामीकरण किया जा रहा है, आतंकी कनेक्शन जो है वो भी देवबंद में लगातार मिलता है। जी, मैं बताना चाहूंगा देवबंद में जो है 1994 के बाद से लेकर आतंकी गतिविधियां पाई जा रही है। कुछ ने छापे मारे, एटीएस द्वारा आतंकी पकड़े भी थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है। विकास त्यागी ने विवादित बयान दिया, उनका कहना है कि देवबंद को लेकर जांच करानी चाहिए सरकार को क्योंकि इस्लामीकरण देवबंद जो है वो पूरी तरह से कर रहा है। दारुल उलूम जो है वो आतंकी जननी है। सहारनपुर नगर देवबंद के मंडीडाल पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मामूली कहासुनी को लेकर दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित दुकानदार उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित दुकानदार नौशाद ने बताया कि वह नमाज पढ़कर अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि अचानक सामने वाले दुकानदार ने उनके साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर दुकानदार उसका बेटे ने चाकू से उसके भाई और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मामूली बात पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार उसके भाई पर जानलेवा हमला किया। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास से करीब 800 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद हुई हैं जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग की तरफ से की गई संयुक्त कार्रवाई जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। साथ ही आबकारी विभाग लगातार एक्शन में है, अवैध शराब को लेकर अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की गई है। जहां एक तरफ देश में कोरोना के चलते कई सारे काम या तो ठप पड़ गए हैं या फिर चलते हुए काम में कारोबारियों को घाटा उठाना पड़ रहा है, वहीं ऋषिकेश में कोरोना के चलते लगातार घाटे में जा रहे परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए कारोबारी फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कारोबारियों ने एक होटल में बैठकर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली है। परिवहन कारोबारियों की सबसे पहली मांग वाहनों की आयु सीमा 2 साल बढ़ाने और दूसरी मांग वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ करने की है जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।